हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम, टू गुड। आई गेस यू हैड अ नाइस एंड अमेजिंग सेशन, लॉन्ग सेशन टुडे विद तुली सर, क्या कहते हो? तो गाइस, तुली सर हैज कंप्लीटेड हिज सेशन एंड आई एम ऑनलाइन। सब लोग एक बार जकास बोल दो एंड वी कैन स्टार्ट। गाइस, आरएम सर कब से पॉपली सर बन गए? आरएम सर कब से पॉपली सर बन गए? क्यों? पॉपली सर का थोड़ी टाइम है ये, 8:30 to 9 इज राहुल सर का टाइम। सो राहुल सर अपने टाइम पे आ गए। अरुण, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। अक्षित, जकास, चलो लेट आया। कौन? मैं? नहीं, आई एम ऑन टाइम। इनफैक्ट आज मैं जल्दी आ चुका हूँ। सार्थक, गुड इवनिंग। चलो, इज एवरीवन रेडी? कैन आई स्टार्ट टुडे सेशन गाइस? तो अब तक हम लोग गाइस, मेरे ख्याल से वी आर कंप्लीटेड विद 6 सेशंस गाइस। हमने इंट्रोडक्शन टू एएस एंड इंडियस कर लिया है, AS1 कर लिया है। गाइज, वी आर कंप्लीटेड विद AS2, वी आर कंप्लीटेड विद AS10, एंड लास्ट लेक्चर में वी वर ऑलरेडी कंप्लीटेड विद AS16, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। सो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं एंड वी विल बी डूइंग अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गाइज, इफ यू आर रेडी टेल मी येस दैट यू आर रेडी फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। एंड गाइस, बिफोर आई स्टार्ट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एवरी डे आई गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज मुझे चाहिए कि आप ये बैच में आओ। ये बैच कल से शुरू हो रहा है। अरविंद तुली सर कल से ये बैच शुरू कर रहे हैं। नवंबर 22 अटेम्प्ट का बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है फॉर सी ए इंटरमीडिएट। एंड गाइज, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू ज्वाइन मी ऑन 29th। एजुकेटर में राहुल मलकान सर अकाउंट्स लेने वाले हैं, पॉपली सर लॉ लेने वाले हैं, सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग लेने वाले हैं, एंड अरविंद तुली सर टैक्स लेने वाले हैं। गाइज, अरविंद तुली सर का कल से बैच चालू हो रहा है। टाइमिंग है 11 AM to 12:30 PM। गाइज, सचिन गुप्ता सर फ्रॉम 12:45 to 1:45, राहुल मलकान सर फ्रॉम 3 to 4, एंड गाइज अमित पॉपली सर जो लॉ लेंगे आपके साथ इवनिंग में 6 to 7। सो आई होप यू गाइज आर ऑलरेडी रेडी इसके साथ टेस्ट सीरीज एंड गाइज एवरीथिंग। मैं एक और चीज़ बता दूं गाइस कि फिलहाल वी हैव दिस 20% ऑफ गोइंग ऑन। सो आई वांट यू ऑल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस 20% ऑफ। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो प्लीज टेक दिस बेनिफिट। लव यू, चकास, टेक केयर। गाइस आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टार्ट विद समथिंग विच इज नोन एज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। आर यू ऑल रेडी? चलिए, रेडी एंड जकास। सो गाइज, दिस इज चैप्टर नंबर 6, दिस इज AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये चैप्टर में हमें क्या लर्न करना है गाइज? ये चैप्टर में हमें 8 चीज़ें लर्न करनी है। इज इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, द स्कोप ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट गाइज, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स है तो उसका क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू असेट, इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, एंड थर्ड वन इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड लास्ट वन इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़े तो हम क्या करेंगे? सो दिस आर द 8 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू कवर अप इन टूडेज क्लास। जगह से फर्स्ट से चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये स्टैंडर्ड क्यों है? इंट्रोडक्शन में हमें ऑलवेज ये डिसाइड करना होता है कि ये स्टैंडर्ड क्यों है। वाई डू वी हैव समथिंग विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12? वाई वाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। एक रिकग्निशन क्राइटेरिया, उसका मेजरमेंट क्राइटेरिया, मेजरमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट किससे डील करता है? रिकग्निशन से। गवर्नमेंट ग्रांट्स अकाउंटिंग से डील करेगा, गवर्नमेंट ग्रांट नॉन मॉनिटरी ग्रांट से डील करेगा, गवर्नमेंट ग्रांट प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट से डील करेगा, एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट से डील करेगा। इन शॉर्ट, दिस इज गोइंग टू डील विद गवर्नमेंट ग्रांट्स। चकास है? टू गुड। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, स्कोप। स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद व्हाट? दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस और इन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर नेचर। गाइज, अगर प्राइस चेंजेस के वजह से गवर्नमेंट ग्रांट्स में कोई इफेक्ट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट दिखाना है, तो ये स्टैंडर्ड उसके लिए नहीं है। सो बेसिकली इन्फ्लेशनरी चेंजेस के वजह से जो चेंजेस आते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं काम करता है, अपना AS12 काम नहीं करता है। गाइज, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, सो गवर्नमेंट अगर हमें और कोई हेल्प करता है अदर देन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, तो ये हमारे स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है।
अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. गवर्नमेंट ग्रांट्स है हमारे स्टैंडर्ड में बट गवर्नमेंट असिस्टेंस AS12 में नहीं है. एंड गाइस थर्ड वन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज. इफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स, पुट्स इन कैपिटल, बिकम्स द पार्ट ओनर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ कंपनी, देन नो, गवर्नमेंट ग्रांट्स का स्टैंडर्ड उसे अप्लाई नहीं होगा. सो बेसिकली ऑल द गवर्नमेंट कंपनीज पे गवर्नमेंट ग्रांट्स अप्लाई नहीं होगा. So this standard does not deal with effect of price changes, it does not deal with government assistance, and it does not deal with capital contribution by the government. Are we exactly clear with that one? Tell me yes or no. Jakas, lovely. Guys, point number three, what are government grants? So government grants are bahut achi tarah se pura definition present kiya. I love the person who is preparing my, you know, kind of pocket book. बहुत अच्छा बुक बन रहा है. सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है गाइस? गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और क्राइम टू द एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस. प्लीज ये डेफिनेशन अपने को बाय हार्ट करना है, ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन में छाप के आना है. अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स का कोई क्वेश्चन आता है ना एग्जामिनेशन में, तो वी शुड गिव दिस डेफिनेशन सबसे पहले. मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले एज पर AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स आर डिफाइंड एज असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू द एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस इज रिफर्ड टू एज गवर्नमेंट ग्रांट्स. जकास है फिर से एक बार विदाउट लुकिंग इन टू इट. वट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स? गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू द एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस. So basically, guys, I'll just put a noted pad on. कहाँ गया हमारा नोट? नहीं चाहिए मुझे, लाइन डॉक चाहिए. सो आई विल ओपन द लाइन डॉक एंड हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट को डिफाइन करेंगे. सो गाइज ये हायर परचेज में आज रिकॉर्ड कर रहा था वो था, पर आपको फिलहाल हायर परचेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है. अब हम लोग आगे जाएंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स. बोरोइंग कॉस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट AS12, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स. सो गाइस व्हाट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स? फिर से एक बार डेफिनेशन पे स्ट्रेस कर रहा हूँ. फर्स्ट वन, व्हाट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स? डेफिनेशन को पढ़ना है, चार पार्ट्स याद रखने हैं. 1, 2, 3, 4. गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट गाइस इन कैश और इन काइंड. अभी एग्जैक्टली क्लियर किसको देना है? टू द एंटरप्राइज, टू द एंटरप्राइज गाइस फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस. फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, मेरी स्पेलिंग कभी सुधरेगी पता नहीं है, तो प्लीज़ आप समझ जाना, भावनाओं को समझना, भावनाओं को नहीं तो भाविन को समझ जाना. फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड. सार्थक अगर आपने बिना देखे ये डेफिनेशन टाइप कर दिया, देन यू गाइज आर फैंटास्टिक. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस इन कैश और इन काइंड टू द एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस. जकास. नेक्स्ट गाइज, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. मैंने अपने नॉर्मल क्लास में इसे बहुत स्ट्रेस किया एंड आई वॉन्ट यू दिस टू बी देयर. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकग्नाइज अंटिल देर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट. अंटिल देर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट मीन्स वी शुड बी अश्योर्ड, हमें श्योरिटी मिल जाए. So we should not recognize the government grant unless and until we are very sure of two things. First one, the enterprise will comply with the conditions associated to the grant and the grant will be received. तो grant मिल जाए उसके बाद recognize करना है? नहीं, जब हम sure हो कि हमें grant मिल जाएगा तभी भी आप recognize कर सकते हो. And plus एक और condition से हम लोग बहुत sure होने चाहिए, that we are sure that we will, you know, kind of comply with the conditions attached to the grant. मतलब grant के associated कोई conditions हो, गवर्नमेंट ने कोई कंडीशंस डाली है, हम श्योर है हम उसे फुलफिल कर लेंगे. द डे वी बिकम श्योर कि हम उसे फुलफिल कर लेंगे और द डे वी बिकम श्योर कि हमें ग्रांट मिल जाएगा, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. ये दोनों के बीच में एंड है, तो ये दोनों के बीच में एंड होने के बाद अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ग्रांट रिकग्नाइज कर सकते हैं.
सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, गवर्नमेंट ने आज हमें 20,000 रुपीज दे दिए, बट हम श्योर नहीं है कि हम कंडीशंस फुलफिल करेंगे. तो ग्रांट तो मिल गया, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट. टू गवर्नमेंट ग्रांट मत लिख देना, टू एडवांस लिख के रखना. अब एग्जैक्टली क्लियर? जिस दिन हम श्योर हो जाए कि हम कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, तो हम एंट्री पास कर देंगे एडवांस टू गवर्नमेंट ग्रांट. अनदर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कहा राहुल आपको 20,000 रुपीज मिलेंगे, दिए नहीं है, गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन यू दैट मनी, बट मुझे श्योर है कि गवर्नमेंट तो दे देगा, और मुझे ये भी श्योर है कि मैं कंडीशंस फुलफिल कर लूंगा, पैसे तो मिले नहीं है, पर गवर्नमेंट ग्रांट आज रिकोगनाइज करना है. तो एंट्री क्या पास करेंगे पता? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मिला नहीं है तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वॉट? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वॉट? गवर्नमेंट ग्रांट. और जिस दिन मिल जाए उस दिन क्या एंट्री पास करेंगे आप? कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल. चकास, एकदम क्लियर, टू गुड. नोट, द रिसीट ऑफ ग्रांट इज नॉट इन इटसेल्फ कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशंस अटैचिंग टू ग्रांट विल बी फुलफिल्ड. मतलब पैसे मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट ग्रांट रिकोगनाइज कर लें. पैसे मिल जाए तो जरूरी नहीं कि हम कंडीशन अटैच टू द ग्रांट को फुलफिल कर लेंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? वी शुड बी श्योर कि हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे एंड वी शुड बी श्योर कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकोगनाइज कर लो. ये जो नोट है ना, मैं वापस वो रिपीट करूंगा गाइस. अगर हमें गवर्नमेंट 20,000 रुपीज दे रहा है बट हम श्योर नहीं है कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को कंडीशंस को फुलफिल कर पाएंगे, तो पैसे ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस करके रख दो. जकास है, टू गुड. नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. अब अकाउंटिंग करने के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंटिंग के लिए कितने मेथड्स हैं हमारे पास? गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है. व्हाट आर द टू ब्रॉड अप्रोचेस दैट मे बी फॉलोड फॉर अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स? गाइस, फर्स्ट वन द कैपिटल अप्रोच एंड सेकेंड वन द इनकम अप्रोच. कैपिटल अप्रोच में गवर्नमेंट ग्रांट को हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लेके जाएंगे, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स. एंड गाइस, इनकम अप्रोच को हम गवर्नमेंट ग्रांट को गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे. आइदर डायरेक्टली इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुडे और इट विल बी चार्ज ओवर इन द पीरियड ऑफ टाइम. बट कैपिटल अप्रोच का मतलब है उसे बैलेंस शीट में लेके जाना है, बेसिकली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स. एंड इनकम अप्रोच का मतलब है इट विल बी टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड. सो व्हाट इज कैपिटल अप्रोच एंड व्हाट इज इनकम अप्रोच? द कैपिटल अप्रोच अंडर दिस इज व्हेन द ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, एंड इनकम अप्रोच इज अंडर विच द ग्रांट इज टेकन टू इनकम फॉर वन और मोर पीरियड्स. कौन सा मेथड अप्लाई करना है सर अकाउंटिंग के लिए? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट दैट यू हैव रिसीव्ड. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस. चलिए, नॉन मॉनिटरी ग्रांट. गाइस, नॉन मॉनिटरी ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? सर, नॉन मॉनिटरी ग्रांट मतलब हमें पैसे नहीं मिल रहे. नाउ फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इज गिविंग यू लैंड एंड बिल्डिंग एंड नॉट चार्जिंग यू, दिस इज नॉन मॉनिटरी ग्रांट. यू आर रिसीविंग ग्रांट बट इट्स नॉन मॉनिटरी. यू आर नॉट रिसीविंग कैश, यू आर रिसीविंग लैंड एंड बिल्डिंग, यू आर रिसीविंग प्लांट्स एंड मशीनरी, यू आर रिसीविंग मोटर व्हीकल. तो गाइस, नॉन मॉनिटरी ग्रांट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू. एंड आई हैव टोल्ड यू नॉमिनल वैल्यू कैन बी प्रैक्टिकली 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, कोई भी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो आप, पर रिकॉर्ड करना जरूरी है. सो यू विल हैव टू पास अ जर्नल एंट्री विच इज लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. हमें कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने हमें फ्री में दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट इट कैन बी 1 रुपी, इट कैन बी 10 रुपी, इट कैन बी 100 रुपी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल? पक्का? जकास, टू गुड. चलिए, पॉइंट नंबर 7, प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. गाइस, प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में वी हैव टू थिंक अबाउट 3 थिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारी अकाउंटिंग भी चालू होती है. सो प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ग्रांट रिलेटेड टू असेट, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड ग्रांट रिलेटेड टू बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूशन. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? तो हमारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरह अगर ग्रांट मिल रहा है, अगर रेवेन्यू की तरह ग्रांट मिल रहा है, और अगर असेट की तरह अगर हमें ग्रांट मिल रहा है. सो गाइज, आप मुझे बताइए कि ग्रांट अगर हमें असेट के लिए मिल रहा है तो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कितने मेथड्स है? सर, प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको याद हो तो हमारे पास 2 मेथड्स है. फर्स्ट वन गाइज, एज डिडक्शन टू असेट, हम इसे असेट से माइनस कर देंगे, दैट इज एज अ डिडक्शन टू असेट. एंड गाइज, सेकेंड एज डिफर्ड ग्रांट, एज डिफर्ड ग्रांट. तो या तो हमें जो ग्रांट मिल रहा है वो हम असेट से डायरेक्टली लेस करके दिखाते हैं, या तो फिर ग्रांट को हम एज अ डिफर्ड इनकम दिखाएंगे. गाइज, दोनों की जर्नल एंट्री अलग होनी चाहिए.
ग्रांट एज अ डिडक्शन टू असेट दिखा रहे हो, तो आपका जर्नल एंट्री बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट पे क्रेडिट कर दो। एंड गाइज, अगर ग्रांट एज अ डिफर्ड इनकम दिखा रहे हो, तो आपका जर्नल एंट्री बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? और फिर ये डिफर्ड ग्रांट को पीएनएल में चार्ज करेंगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन। सो ये होना चाहिए, असेट की बात है गाइज। सेकेंड, अगर हम रेवेन्यू की बातें कर रहे हैं, देन इट विल बी एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, या तो उसे एक्सपेंस से माइनस करके दिखा दो, या तो फिर एज सेपरेट हेड, एज सेपरेट हेड, एंड दैट इज सेपरेट हेड मतलब कहाँ दिखाओगे आप? अदर इनकम में दिखाओगे। टेल मी गाइज, आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड। एंड फाइनली कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो हम लोग इसे कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो हम इसे कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। सो गाइज, दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। टेल मी, आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सार्थक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अक्षित, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरुण, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरी वन इज कैचिंग दिस अप वेरी वेल? टू गुड। पॉकेट बुक पे लेके जाता हूँ आपको। प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट्स। मेथड वन, द ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट कंसर्न इन अराइविंग एट इट्स बुक वैल्यू। एंड सेकेंड, मेथड नंबर टू, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट्स आर ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम विच इज रिकग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑन सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। टू गुड। फर्स्ट एज अ डिडक्शन टू असेट, एंड सेकेंड एज डिफर्ड इनकम। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, मेथड नंबर वन separately under the general heading of other income, and method number two alternatively they are deducted in reporting the related expenses. Are we exactly clear? One, hum use other income se credit mein dikhayenge, and second alternatively hum use related expense mein dikhayenge. Chakas, too good. Guys, point number 7.3, presentation of grant in the nature of promoter's contribution. अगर ग्रांट को हमें प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे दिखाना है, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी एग्जैक्टली क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस अलोंग विथ मी गाइस? आपका नोटपैड रेडी होना चाहिए, आपका कैलसी रेडी होना चाहिए, आपका पेन रेडी होना चाहिए, एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट वन, जेड लिमिटेड परचेज एन असेट फॉर 50 लाख विच इज एस्टिमेटेड यूजफुल ऑफ 5 लाख विद अ यूजफुल सैलवेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। गाइस, 50 लाख का असेट खरीदा, सैलवेज वैल्यू 5 लाख था, लाइफ भी 5 लाख था। ऑन परचेज ऑफ असेट द गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट गेव अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट, 10 लाख का जो ग्रांट मिला वो असेट से हमने डिडक्ट कर दिया। तो गाइज, आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन, ऑलरेडी सेट ना? सो क्वेश्चन नंबर वन गाइस, दिस इज जर्नल ऑफ किसके बुक में 2 साल का जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा है? जेड लिमिटेड। गाइस, ईयर वन फर्स्ट डे पे हम 50 लाख रुपए का असेट खरीद रहे, तो असेट खरीदने का जर्नल एंट्री आना चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप 50 लाख रुपए का जर्नल एंट्री पास करेंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट हमें 10 लाख रुपए का ग्रांट दे रहे हैं, एंड ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन टू फिक्स असेट, तो आपका जर्नल एंट्री आ जाना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, एंड दी अमाउंट इज 10 लाख। इसको असेट से कट के दिखा दिया, इसका मतलब है कि असेट की वैल्यू अब हो गई हमारी 40 लाख। थर्ड, एंड ऑफ द ईयर पे हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, सो इट विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब डेप्री कैसे चार्ज करेंगे? तो डेप्री 40 लाख पे चार्ज करेंगे, 5 लाख उसका स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ उसका 5 ईयर्स है। सो गाइज, माई कैलकुलेशन विथ यू गाइज नाउ, इट्स 40 - 5 / 5, आई एम गेटिंग 7 लाख का डेप्रिशिएशन फॉर ईयर वन। एंड गाइज, फोर्थ एंट्री जो हमें पास करना पड़ेगा, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू द डेप्रिशिएशन अमाउंट इज 7 लाख। ईयर वन कम्प्लीट, वी गो टू ईयर टू। ईयर टू में फिर से क्या करना पड़ेगा गाइज? डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, सो इट विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, अमाउंट 7 लाख ही आएगा। एंड सेकेंड वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन, एंड द अमाउंट विल बी 7 लाख्स। टेल मी गाइज, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? पक्का एकदम क्लियर? टू गुड। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू। चालू करें क्वेश्चन नंबर टू।
First one, Z Limited purchased a fixed asset for 50 lakh, which has estimated useful life of 5 years with a salvage value of 5 lakh. On purchase of asset, government granted it a grant of 10 lakh. Pass the necessary journal entry in the books of the company for the first 2 years if the grant is treated as deferred income. Exactly same question, but this time grant ko aapko asset mein credit nahi karna hai. Aapko grant ko deferred income mein dikhana hai. To guys, yahan pe apna first journal entry kya aana chahiye? Year 1 ka. Entry number 1, asset khareed rahe ho. To entry aa jayega asset account debit to bank and the amount will be 50 lakh. ग्रांट को हम डिफर्ड इनकम दिखाएंगे, असेट में क्रेडिट नहीं करेंगे, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड इनकम एंड द अमाउंट विल बी 10 लाख. तो अब हमारे पास असेट 50 लाख का है और डिफर्ड इनकम 10 लाख का है, तो हमें डेप्री चार्ज करना है. तो जर्नल एंट्री चार्ज करेंगे डेप्री टू असेट. तो इस टाइम आप जो डेप्री चार्ज करोगे ना गाइस, वो 50 लाख पे ही चार्ज करोगे. माइनस 5 लाख स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5, इट्स 9 लाख रुपीज़ का आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे. बट गाइज, एग्जैक्टली सेम ईयर डिफर्ड इनकम को भी एमोर्टाइज करके पीएनएल में लेके आओगे. तो आपका जर्नल एंट्री बनना चाहिए गाइज, डिफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एंड द अमाउंट विल बी 2 लाख. सर ये 2 लाख कैसे आया बेटा? 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2. और गाइज, एक साल के एंड पे अगर आप यू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गाइज यहाँ पे डेप्रीशिएशन आएगा 9 लाख का, और गाइज यहाँ पे हमारे पास डिफर्ड इनकम आ जाएगा 2 लाख का. तो ऑल इन ऑल नेट इफेक्ट देखेंगे तो वही 7 लाख आएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में डेप्री 7 दिख रहा था. हाँ, बट एज अ फॉर्मेलिटी एंट्री नंबर 5 नहीं बोलना कि ये डेप्री को पीएनएल में ट्रांसफर करना है. तो इट विल बी डेप्रीशिएशन को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज पीएनएल टू डेप्री एंड द अमाउंट इज 9. सो पीएनएल के डेबिट साइड पे 2 डेप्री, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे बाय डिफर्ड इनकम. आई होप यू आर सॉर्टेड. दैट इज 9, दिस इज 2 एंड दिस इज 7. एंड दिस इज फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री. सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्री एग्जैक्टली सेम आएगा ना. तो ईयर 2 का जर्नल एंट्री क्या आना है? ईयर 2 का जर्नल एंट्री आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, दैट इज 9 लाख. ये डेप्री को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, तो पीएनएल टू डेप्री अमाउंट इज 9 लाख. और डिफर्ड इनकम को राइट ऑफ करना नहीं भूलेंगे, तो इट विल बी डिफर्ड इनकम टू पी एन एल एंड द अमाउंट इज 9 लाख एंड 9 लाख. टेल मी गाइज, यू आर कैचिंग अप वेरी वेरी वेल. चकास, टू गुड. सो गाइज, ये हो गई प्रेजेंटेशन ऑफ द असेट. गाइज, अगर यू नो वी आर रिसीविंग अ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, तो या तो वो ग्रांट को हम रिलेटेड एक्सपेंसेस से माइनस करके देखा है, या तो फिर हम ग्रांट को एज अ क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम की तरह दिखाएंगे. टू गुड गाइस, रिफर्ड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. रिफर्ड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, सबसे पहले अगर रिफंड करना पड़े तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5. अब आपको ग्रुप 1 के अंदर यू नो AS5 नहीं है, ग्रुप 2 में आएगा. बट ग्रुप 2 करते वक्त याद रखना, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर रिफंड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाएंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दिखाएंगे. ठीक है गाइस, रिफंड करते वक्त आपको ये याद रखना है, इतने सारे नोट्स लिखे हैं बट बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में, अगर आपने ग्रांट मिलते वक्त असेट को क्रेडिट क्रिएट किया था तो ग्रांट रिफंड करते वक्त असेट को डेबिट कर देना. अगर हमें जब ग्रांट मिला था तो हमने उसे डिफर्ड इनकम को क्रेडिट किया था, तो रिफंड करते वक्त आप उस डिफर्ड इनकम को डेबिट कर देना टू दी एक्सटेंट इट इज देयर. और अगर एक्सेस जा रहा है तो उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर? दैट्स व्हाट अबाउट द रिफंड इज. चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3. दोनों ही तरह से हमें सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस गाइस? फर्स्ट वन, ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑफ 40 लाख, यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स एंड रेसिडुअल वैल्यू इज 8 लाख. गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज 16 लाख. शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट इन 3rd ईयर एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. If grant is credited to fixed asset and if grant is credited to deferred grant account. Guys, first one. और मैं खाली refund का journal entry नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको actually पूरा process दिखा दूंगा इसके अंदर. So I am looking at question number 3. Can I start with that, guys? So this is my question number 3. Now what happens in question number 3? Guys, alternative number A मैं बोल रहा हूँ, the grant is credited to fixed asset. The grant is credited to
फिक्स्ड एसेट, जब हमने ग्रांट मिला था तो हमने फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट किया था। चलिए ईयर वन से चालू करते हैं, पहले असेट खरीदते हैं। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने में असेट खरीदा? 40 लाख में खरीदा। बढ़िया सर। सर एंट्री नंबर टू ग्रांट मिला, तो एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट को क्रेडिट करना था। कितने का ग्रांट मिला है? 16 लाख रुपए का ग्रांट मिला है। थर्ड एंट्री आ जाएगा डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। गाइस अब असेट बचा कितने का? 40 में से 16 का ग्रांट मिल गया तो 24 का असेट बचा है। उसका रेसिडुअल 8 है तो -8 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इयर्स ऑफ लाइफ, तो आई विल गेट अ डेप्रिशिएशन ऑफ 4 लाख रुपीज। इफ समबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ 4 लाख रुपीज, तो 40 का असेट था, 16 का ग्रांट मिल चुका था, 8 का स्क्रैप वैल्यू था, डिवाइडेड बाय 4 इयर्स ऑफ लाइफ इज 4 का डेप्रिशिएशन। और इस डेप्रिशिएशन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देना? पीएनएल में। दिस इज ईयर वन की कहानी खत्म। गाइज ईयर टू की कहानी फिर से एक बार चार्ज कर देना डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट एंड दी अमाउंट विल बी 4 लाख 4 लाख। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री पास कर देता हूँ, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्री एंड दी अमाउंट इज 4 लाख 4 लाख। वो ईयर वन में भी पास करना था, मेरे पास जगह नहीं था इसीलिए पास नहीं किया, वरना रोना मत आप, चाहिए तो मैं पास कर लेता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे सर ईयर वन में आपने पास नहीं किया था, हम भी एग्जाम में पास नहीं करेंगे। नहीं भाई, सर को एग्ज़ाम नहीं देनी, आपको देनी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अमाउंट इज 4 एंड 4। अब ईयर टू पे आ जाता है तो फिर से एक बार डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट एंड दी अमाउंट विल बी 4 एंड 4, एंड सेकेंड विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन एंड दी अमाउंट इज गोइंग टू बी 4 एंड 4। और अब हमारी असेट की वैल्यू बुक्स में क्या दिख रही होगी? गाइस 40 में से 16 ग्रांट माइनस हो चुका था, फिर 4 लाख का डेप्री चार्ज किया, फिर 4 लाख का डेप्री चार्ज किया, तो 40 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 4, आज हमारे असेट की वैल्यू 16 दिख रही होगी। और गाइस आज अबे हमें क्या करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस, हमें करना है रिफंड। तो जब हम रिफंड करेंगे तो गाइस ग्रांट मिलने के टाइम एंट्री क्या पास किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट पास किया था। तो आज रिफंड करते वक्त आपका जर्नल एंट्री होना चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पूरा रिफंड करना पड़ेगा 16 का। जब ये 16 का रिफंड कर लोगे ना भाई, तो फिर अपने असेट की वैल्यू हो जाएगी, असेट की वैल्यू 16 थी प्लस 16 की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स 32। चकास, अगर असेट की वैल्यू 30 हो जाएगी तो डेप्री कितना चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और डेप्री चार्ज करना पड़ेगा 32 माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 2 ईयर्स ओनली नाउ। सो 32 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 2 ईयर्स, 12 का डेप्री चार्ज करना पड़ेगा रिफंड के बाद, और डेप्री को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, दैट इज 12। टेल मी चकास, टेल मी दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। सब याद आ रहा है आप लोगों को? दिस इज वॉट वी हैव डन इन द क्लास, और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये आधा घंटे का जो रिविजन लेक्चर होता है ना, वो क्लास होता है, ये सब आपको रिकॉल कराएगा, इसके बाद आप पूरा कंपाइलर उठा के सॉल्व करो। जकास, अक्षित टू गुड, अरुण टू गुड, चलो आई वॉन्ट एवरी वन टेलिंग मी जकास, यार एक बार पूरा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। ठीक है चलो गाइज, अगर असेट को हमने ग्रांट में नहीं डाला था तो गाइज हमें जो ग्रांट मिला था हमने उसे क्या किया था? इट वॉज क्रेडिटेड टू असेट, सॉरी इट वॉज नॉट क्रेडिटेड टू असेट, इट वॉज क्रेडिटेड टू डिफर्ड इनकम। चलिए सर अगर आपने उसे डिफर्ड इनकम पे क्रेडिट किया हो, तो ईयर वन पहले असेट खरीदते हैं, एंट्री आ जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट कितने का खरीदना है? 40 लाख का असेट खरीदना है। नेक्स्ट वन गाइस, एंट्री नंबर टू आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड इनकम, गवर्नमेंट ने कितने का ग्रांट दिया हमें? 16 का ग्रांट दिया है। गाइस डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करोगे? डेप्री टू असेट 40 पे ही डेप्री चार्ज करेंगे, 8 स्क्रैप वैल्यू है, 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स, गाइज 8 का डेप्री चार्ज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ये 8 का वैल्यूएशन कहाँ से आया, 40 का असेट था, 8 स्क्रैप वैल्यू था, लाइफ 4 थी, तो 8 का डेप्रीशिएशन आया।
गाइज ये डेपरी को कहाँ चार्ज कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अमाउंट हो जाएगा 8। एंड गाइज ये डिफर्ड इनकम को भी पीएनएल में डालना पड़ेगा, तो इट विल बी डिफर्ड इनकम टू पीएनएल। कितना चार्ज करोगे सर पीएनएल में, 16 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स ऑफ लाइफ, आंसर इज 4, आंसर इज 4, आंसर इज 4। टेल मी गाइज, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? बढ़िया ना, टू गुड गाइस। इसके बाद अगर हम ये साल के बाद की बात करें, पर एक और साल ले लेते हैं, सेकेंड ईयर में भी हमें ग्रांट रिफंड नहीं करना है, तो गाइस हम आ जाते हैं ईयर नंबर टू पे। तो अब ईयर नंबर टू पे गाइस फिर से एक बार डेपरी चार्ज करते हैं, तो दिस इज डेपरी अकाउंट डेबिट टू असेट एंड 8 का डेपरी चार्ज होगा गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेपरी, 8 का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे। एंड गाइस डिफर्ड ग्रांट या डिफर्ड इनकम टू पीएनएल और 4 का डिफर्ड इनकम पीएनएल में डाल दोगे गाइस। इसके बाद हमारे असेट की वैल्यू कितनी होगी सर, हमने 50 का असेट लिया था, 8 का डेपरी फर्स्ट ईयर, 8 का डेपरी सेकेंड ईयर, सो 50 माइनस 16 गाइस 34 का डेप्रीशिएशन बचेगा, असेट बचेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 40 का असेट लिया था, 50 का असेट लिया था, 40 का असेट लिया था, आई एम सॉरी। तो अगर आपने 40 का असेट लिया था तो 40 माइनस 8 एंड माइनस 8 कितना बचेगा, 24 बचेगा, चकास है। एंड गाइस डिफर्ड इनकम कितना बचा सर, हमें डिफर्ड इनकम 16 मिला था, 4 राइट ऑफ, तो अब हमारा 8 का डिफर्ड इनकम बचा गाइस। ईयर नंबर 3 पे हमें रिफंड करना है। ग्रांट मिलते वक्त हमने क्या एंट्री पास की थी सर, ग्रांट मिलते वक्त हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड इनकम। तो ग्रांट रिफंड करते वक्त हम क्या एंट्री पास करेंगे, ग्रांट रिफंड करते वक्त हम एंट्री पास करेंगे डिफर्ड इनकम, पर डिफर्ड इनकम में अभी सिर्फ 8 ही था, टू बैंक हमें रिफंड करना है 16, तो बाकी का 8 आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करेंगे। दिस इज द फंडा। अब गाइज यहाँ पे असेट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका डेप्रीशिएशन अब भी सेम ही आएगा, और सेम आएगा मतलब 8 आएगा। सर ये 8 कैसे होगा, तो सर 24 का असेट था माइनस 8 अपना स्क्रैप वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय 2 इयर्स ऑफ लाइफ, आंसर 8 आएगा। और वो डेप्री को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, दैट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट टू द डेप्रीशिएशन एंड द अमाउंट इज 8 एंड 8। टेल मी आर वी डन विद दिस चकास? हाफ एन आवर गवर्नमेंट ग्रांट अंदर, अभी एग्जैक्टली क्लियर, आधा घंटे में गवर्नमेंट ग्रांट पूरा रिवाइज कर दिया। दिस कंप्लीट्स माय AS12 विथ यू ऑल्सो गाइज। हमने AS1 कर लिया, हमने AS2 कर लिया, हमने AS10 कर लिया, हमने AS16 कर लिया, और हमने AS12 भी कर लिया है गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, लव यू। कल सुबह तुली सर का बैच ज्वाइन कर लेना, और परसों सीधे दोपहर को 3 बजे उठ के ना दो के चाय पी के मेरे बैच में आ जाना। चकास, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।